मालेगावमध्ये दोन हजार आठ साली बॉम्बस्फोट झाला होता त्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता तर शंभर जण जखमी झाले होते कर्नल पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती पण गेल्या काही काळापासून या प्रकरणातील साक्षीदार आपल्या साक्षीत बदल करू लागलेत आतापर्यंत पंधरा साक्षीदारांनी आपली साक्ष बदलली आहे या साक्षीदारांना एनआयएकडून जबाबाचा अभ्यास न करता आणि कोणत्याही विशिष्ट क्रमाशिवाय साक्षीसाठी पाचारण करण्यात येतं आधी अनेक आरोप साक्षीदारांनी एन आय एवर केलेत पाहुयात काय म्हणतात साक्षीदार आणि एनआयवर त्यांनी कोणते आरोप केलेत 2008 में हुए मालेगांव धमाके में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था साथ ही अब इस मामले में जो आरोपी रह चुके हैं उन्होंने ये बताया कि उन्हें महाराष्ट्र ए ने बहुत प्रताड़ित किया था जिस वजह से उन्होंने उनको उन्हों कई सारे नाम लेने के लिए कहा गया था हमारे साथ आरोपी नंबर पाँच इस मामले में हैं उनसे हम बात करेंगे सर क्या कुछ आप पे आरोप लगे थे और आज क्या कुछ कोर्ट में मालेगांव बमला दो में हम सभी के सभी निर्दोष थे केवल और केवल हम जो उस वक्त का जो केंद्र का सरकार था उसके विरोध में हम प्रचार प्रसार करते थे अपनी धर्म रक्षा का कर्तव्य निभाते थे इसलिए हमको चुन चुनकर इस मुकदमों में लटकाया गया आज अभियोजन पक्ष का जो गवाह था साक्ष्य क्रमांक चालीस जिसने एटीएस से अंडर सेक्शन वन सिक्सटी वन सी आर पी सी का तहत तो उसका बयान दर्ज किया था आज वो अपने बयान से मुकर गया और उसने आज भगवान की सौगंध खाकर स्पेशल एन आई कोड मुंबई में आज कहा कि मुझे ए टी एस मुंबई वाले अपने घर से उठा के लेके गए थे मुझे जमीन के ऊपर बिठा के आरोपी जैसा मेरे साथ व्यवहार करते थे मुझे अपमानित किया गया प्रताड़ित किया गया मेरे परिवार वालों को भी अपमानित किया गया प्रताड़ित किया गया मेरे घर के अंदर भी पुलिस वालों को बिठा के रखते थे मुझे इनलीगल डिटेंशन पुणे में और मुंबई में रखा गया और केवल और केवल एक ही वो हर बात कहते थे कि जब तक पांच आरएसएस वालों के तू नाम नहीं लेता है तब तक हम तुरजे नहीं छोड़ेंगे उसने जो पांच आर वालों के नाम थे उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी इंद्रेश कुमार जी स्वामी असीमानंद जी देवधर जी और काका जी ये आज एविडेंस में रिकॉर्ड किया है स्पेशल एन कोर्ट ने और आखिर में उसने वेदना से यह कहा कि सर मेरी जान को खतरा है मुझे आप पुलिस प्रोडक्शन दीजिएगा करके जब स्पेशल पीपी साहब ने उसको कहा कि आज तक आपने ये बात किसी को क्यों नहीं कही करके तब उसने कहा कि सर मुझे कानून की जानकारी नहीं थी और मैं मुंबई एटीएस पुलिस से मैं डरा हुआ था इसलिए आज तक मैंने कोई कानूनी कार्रवाई मुंबई पुलिस के खिलाफ नहीं किया जब मैं इन पर्सन उसको क्रॉस कर रहा था तब उसने कहा कि हां मैं अवश्य अपने अभी बचे हुए जिंदगी में मैं मुंबई एटीएस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा मैं उनका लीगल कंप्लेन करूंगा करके लेकिन आज स्पेशल एनआई कोर्ट में सच धीरे धीरे सामने आ रहा है और हमारा जो किसी भी अक्रंताओं ने ना ही किसी अंग्रेजों ने भी यहाँ के देशभक्तों को राष्ट्रभक्तों को हिंदू दहशतवाद और भगवा दहशतवाद का लेबल नहीं चिपकाया वो लेबल दिग्विजय सिंह सुशील कुमार शिंदे शिवराज सिंह चौहान शरद पवार सोनिया गांधी शकील अहमद और अहमद पटेल ने किया था आज वो सभी के सभी झूठे थे देश विरोधी थे हिंदू विरोधी थे आज ये धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है तुम्हारे साथ मालेगांव का जो 2008 का मामला है उसमें जो आरोपी रह चुके हैं वो बात कर रहे हैं कि कैसे इस मामले में अब पंद्रवा भी एक गवाह था वो होस्टाइल हो चुका है होस्टाइल उनकी नजर में ये होस्टाइल नहीं है उसने सच बयां किया है कि इस मामले में उसे जबरदस्ती पांच आर से जुड़े लोगों का नाम लेने के लिए कहा गया था कैमरामैन अनुप्रस्तोगी के साथ सूरज ओझा एबीपी न्यूज मुंबई एबीपी डोड़े बघा नीट